असम में सियासी पारा हाई है। पहले मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेके असम सरकार ने खत्म कर दिया और फिर विधानसभा में जुम्मे की नमाज के दिन मिलने वाली 2 घंटे की छुट्टी को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खत्म कर दिया। तब ऐसे असम सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। बीते दिनों की बात, असम में 28 लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। जब मामला मीडिया में खुला तो सियासी घमासान शुरू हो गया और विपक्ष ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। असम में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने का मामला अब तक तूल पकड़ा हुआ है। कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर चुके हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने असम बॉर्डर पुलिस के एक्शन और राज्य सिस्टम पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि जो हरकत हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी असम बॉर्डर पुलिस की है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तलाहिन मुस्लिमीन यानी AMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम बॉर्डर पुलिस बहुत पक्षपात करती है, लोगों को पकड़कर बताती है कि ये विदेशी हैं। असम का ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। एक ही परिवार में अगर 6 लोग हैं तो उसमें एक विदेशी नागरिक कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि वहाँ बॉर्डर पुलिस किसी को भी उठा लेती है, ये पूरी प्रक्रिया गलत है। पकड़े गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा रहे हैं, जबकि अगर पुलिस के मुताबिक ये लोग बांग्लादेशी हैं तो इन्हें वहाँ भेजिए ना जहाँ पर होते हैं। सच तो ये है कि ये लोग बांग्लादेशी ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की हत्या मामले में भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये गाय रक्षक नहीं राक्षस हैं, हरियाणा पुलिस ने इनको छूट दे रखी है। इन लोगों के रोकने पर वो बच्चा नहीं रुका तो उसे गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि गलती से ब्राह्मण को गोली मार दी गई। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि बरपेटा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 28 लोगों को थाना बुलाया गया। इसके बाद सभी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया गया, वहां से ग्वालपाड़ा स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। इन लोगों के पास भारतीय होने के कागजात नहीं हैं, इनको असम पुलिस ने नोटिस भी भेजे थे। साथ ही मामला विदेशी न्यायाधिकरण को भेजा गया। अगर असम की बातें करें तो असम में 34% आबादी मुसलमानों की है। असम की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं, जहां अक्सर अवैध तरीके से भारत में घुसने की खबरें सामने आती रहती हैं। बीते महीने जो बांग्लादेश में हुआ वो किसी से छिपा नहीं। अगर बांग्लादेश में कोई भी घटना होती है तो इसका साफ असर बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा पर भी देखने को मिलता रहता है। अब ऐसे में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाना कितना सही है ये सरकार ही बता सकती है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।